ओम शांति, नमस्कार दोस्तों। डिजिटल एडिक्शन और इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज उभर गया है। हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में चर्चा की थी। आज इसी डिस्कशन को और इस प्रॉब्लम को हम और डिटेल में समझेंगे और फिर एक इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन लेकर दोस्तों आज हम जाएंगे। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्क्रीन और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में आराम भी पहुंचाया है, सुकून भी पहुंचाया है, लेकिन आज हम इनके गुलाम बनकर रह गए हैं। जितने ही इन फोन का साइज बड़े से स्टार्ट होते होते आज छोटा हो गया है, जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं या स्मार्ट डिवाइसेस कहते हैं, उतनी ही इनकी एनर्जी भी कम हो गई है, इनकी बैटरी लाइफ भी कम हो गई है। और यही आज मानव मन की भी स्थिति है। पहले हमारे जीवन में हम लोग एनर्जेटिक फील करते थे, लेकिन आज पूरे दिन स्क्रीन में उलझे रहने के कारण आज मानव मन बहुत अनडिसाइसिव हो जाता है, बहुत थक जाता है। दोस्तों एक्सेसिव डिजिटल एडिक्शन जो है हमारे ब्रेन पर एक गहरा प्रभाव डालता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तो बात सही है कि स्क्रीन को देखकर हमें एक अंदर से प्लेजर की फीलिंग आती है, लेकिन जहां ये प्लेजर हमारे बॉडी के अंदर एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, वहीं कहीं ना कहीं ये हमारे मन के ऊपर गहरा प्रहार करता है, हमारे ब्रेन को एक अजीब सी सिचुएशन में ला देता है, जिसको हम कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन या टेक्नो ब्रेन। ये क्या होता है? बच्चों के साथ ये बड़ी समस्या है, बड़ों के साथ भी ये बड़ी समस्या है, क्योंकि बार बार जब हमारे हाथ में डिजिटल डिवाइस होगा हम कुछ ना कुछ सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद दो मिनट उसमें लगाने के बाद फिर हम नई चीज को सर्च करने लग जाएंगे, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर जंप करने लग जाएंगे, यानी हर कुछ मिनट कुछ सेकंड के बाद हमारा ब्रेन एक चीज से दूसरा, दूसरे से तीसरा डिजिटल डिवाइसेस पर, कंप्यूटर पर जंप करता रहता है। जैसे पॉपकॉर्न बर्न करता है या उछलकर बाहर फटता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे ब्रेन को भी ये संज्ञा जो दी गई है इसको कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन। यानी एक कार्य पूरा नहीं हुआ, दूसरा कार्य, दूसरा नहीं हुआ, तीसरी चीज को सर्च, तीसरा नहीं हुआ, चौथी चीज को सर्च। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ये हमारे ब्रेन पर एक गहरा प्रभाव डालती है। हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, यानी हर चीज में ओवर एंथुजियास्टिक होना, कहीं ना कहीं संयम को खो देना, ये कॉमन हो जाता है। ऐसा ब्रेन जो है वो जल्दी थक जाता है, उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 60% कम हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, डिसीजन की जो मेकिंग पावर है, किसी भी परिस्थिति के अंदर डिसाइड करना क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये कैपेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली कम होती जाती है। मेमोरी पर तो गहरा असर पड़ता ही है, लेकिन साथ में नींद पर भी गहरा असर पड़ता है। दोस्तों जिन लोगों का इस प्रकार का मनोविज्ञान होता है, जिन लोगों को इस प्रकार से डिजिटल एडिक्शन की आदत है, वो लोग जो हैं अपने जीवन में अपने मूड को बैलेंस नहीं रख पाते हैं, उनका मूड स्विंग्स भी सिग्निफिकेंट रूप से देखा जाता है। अब आप सोचिए कि डिजिटल डिवाइसेस जो हमने ही बनाए हैं, कंप्यूटर हुआ, टेलीविजन हुआ, मोबाइल फोन्स हुए, किंडल्स हुए, कितनी सारी चीजें हुई दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेन पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। अब प्रश्न आपका केवल यही होगा कि प्रॉब्लम तो हम सबको मालूम है, पर डॉक्टर मोहित ये बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों पिछली बारी हमने 5 सिंपल बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी। आज मैं आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं दूंगा, लेकिन आज मैं आपको केवल दो बातें जरूर बताऊंगा। सबसे पहले स्वयं के लिए और बच्चों के लिए भी टाइम लिमिट जरूर डिसाइड करें। जैसे हम अपने दिनचर्या के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, उसी प्रकार अपने मोबाइल के लिए भी डिजिटल टाइमचर्या जरूर बनाएं। इसको मैं कहता हूं डिजिटल टाइमचर्या। दोस्तों डिजिटल टाइमचर्या अर्थात आप कितना समय एप्रोप्रिएटली नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों को और स्वयं को भी देना चाहेंगे। जितना समय आप देंगे उस चीज को आप डिफाइन करिए, ताकि उस लिमिट को अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं तो आप स्क्रीन टाइम आपका लिमिटेड होता जाएगा। इसको आप पूरे दिन में अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो हमको जरूर करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। दोस्तों इसमें सपोज आपका बच्चा या आपका जो या स्वयं आप मोबाइल फोन को बार बार यूज करते हैं, इस टेक्निक के अंदर केवल आधे घंटे की प्रोग्रामिंग या टाइम टेबल हम बनाते हैं। आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि भाई देखिए आप पढ़ रहे हैं,
या आप खेल रहे हैं या आप कोई और कार्य कर रहे हैं, उसमें 25 मिनट बिना डिस्टर्ब हुए आप उस कार्य को करिए। अब आप बिना डिस्टर्ब हुए उस कार्य को करेंगे तो आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपका ब्रेन कंप्लीटली उस चीज पर डायरेक्ट होगा, सारी एनर्जी उस तरफ डायरेक्ट होगी। और फिर आप उन्हें कहिए कि 25 मिनट कार्य करने के बाद 5 मिनट आपको रिवॉर्ड के रूप में मोबाइल फोन यूज करने का अलाउ है। आप मोबाइल फोन देख सकते हैं, कोई भी आप सोशल मीडिया देखना चाहें देख सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोबारा आप कहिए कि फिर 25 मिनट आप कार्य करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक आपको मिलेगा, उसमें आप फिर यूज कर सकते हैं। फिर 25 मिनट आप कार्य करिए और फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। और फिर उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं, आप 1 घंटे के बाद 15 मिनट का गैप ले सकते हैं। दोस्तों ये टेक्निक, इसको हम कहते हैं रिवॉर्ड टेक्निक, यानी हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि पहले मैं अपना सारा अटेंशन एक कार्य की तरफ दूंगा, उसके बाद रिवॉर्ड के रूप में मैं इस चीज को चेक कर सकता हूं। जब हम इस चीज को यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है। याद है वो पुरानी बात, प्रोग्रामिंग। जब प्रोग्राम हो जाएगी तो हमारा मन बार बार उस डिवाइस को उठाने के लिए भटकेगा नहीं, हमारा मन भी नहीं भटकेगा, और कुछ समय बाद हम अपने ब्रेन को, अपने मन को स्टेबल कर पाए। दोस्तों ये बहुत काम की टेक्निक है। तीसरी चीज जो आपको जरूर करनी है, पेरेंट्स को स्पेसिफिकली जरूर देखना है, स्वयं की भी चेकिंग और बच्चों के लिए भी, कि क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंट ऑन डिजिटल मीडिया वो क्या है। यानी हम उस चीज में आपका बच्चा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर किस प्रकार की चीजों को या इंटरनेट पर किस प्रकार के कंटेंट को सर्च कर रहा है, ये चेकिंग करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों इसके लिए आपको ऑफेंसिव नहीं होना है, लेकिन ध्यान से कभी भी आप उनके मोबाइल फोन या किसी डिवाइस को आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ कंटेंट हमारे ब्रेन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। आप उनके साथ जब ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं तो उनको समझ में आते हैं, उनको एक डायरेक्शन मिलता है। आप उनके लिए ओपन, उनको ओपन छोड़िए, उनके ऊपर एक लगाम नहीं लगाइए, लेकिन उनको मॉनिटर जरूर करिए। और जब आप मॉनिटर करेंगे, बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली उनका जो यूज है डिजिटल डिवाइसेस का वो प्रॉपर हो सकता है, यूजफुल हो सकता है और प्रोडक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों केवल 3 बातें, टाइम स्पेंड को लिमिट करना है, दूसरा पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हुए हमें ये बहुत रूप से देखना है कि थोड़ा टाइम कार्य, फिर 5 मिनट का रिवॉर्ड, और तीसरा चीज क्वालिटी ऑफ कंटेंट को भी आपको जरूर चेक करना है। इसको केवल आप 2 दिन के लिए यूज करिए। जब आप 2 दिन इसको यूज करेंगे दोस्तों, आपको लगेगा कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, मेरा ब्रेन स्टेबल होता जा रहा है और मेरा फोकस और अटेंशन भी साइमल्टेनियसली बढ़ता जाएगा। दोस्तों अगले एपिसोड में फिर हम ऐसी कुछ टेक्निक डिजिटल मीडिया और डिजिटल एडिक्शन से रिलेटेड लेकर उपस्थित होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। और यदि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप bkdrmohitgupta@gmail.com पर जरूर लिख दीजिए, उन प्रॉब्लम्स को भी हम एड्रेस करेंगे। और दोस्तों इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए, सबके साथ ये पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करते रहिए। ओम शांति।